ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम भूगोल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, यहाँ पर सभी वीडियो का पीडीएफ उपलब्ध है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, भूकंप विज्ञान। इसके द्वारा ही हम सर्वाधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके अलावा ज्वालामुखी या अप्राकृतिक घटनाएं जो होती हैं उससे भी हम जानकारी हमें मिलती है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भूकंप, तो इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्रायशियल सीमा और निफी के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, स्वेस के द्वारा किया गया है। पृथ्वी के तीन हिस्सों में बांटा गया है भूगर्भ को, सियाल सीमे और निफे। सियाल जो होता है SiAl, मतलब सिलिकॉन और एल्युमिनियम, सीमा SiMa, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, तथा निफे NiFe। तो Ni मतलब निकेल और Fe मतलब फेरम, मतलब लोहा। पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले सियाल होगा, उसके बाद सीमा होगा, उसके बाद निफे होगा। सबसे ऊपरी परत सियाल होता है, उसके बाद सीमा होता है, उसके बाद निफे होता है। तो इसलिए 2, 3, 2, 1 और 3, तो इसमें जो ऑप्शन होगा वहीं सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। फिर कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? अब ऑप्शन के अनुसार, सियाल में ग्रेनाइट एवं नीस जैसी चट्टान की प्रधानता होती है। तो देखना है कि सही है कि गलत है, तो सही है। उसके बाद कह रहा है कि सीमा का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट एवं गैब्रो जैसी चट्टानों से हुआ, यह भी सही है। क्रोड में निकेल एवं लोहा जैसी तत्वों की प्रधानता, यह भी सही है। तो इसमें से सब सही है, इसका अर्थ है कि इसका आंसर हो जाएगा डी। भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टान की अधिकता होती है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, सीमा में बेसाल्ट की अधिक मात्रा होती है। छठा क्वेश्चन कह रहा है, भूपृष्ठ पांचवा यही है तो इसको बता दिए हैं, इस सीमा में होता है। पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता होती है? तो निफे, नाम से स्पष्ट है निफे, एनआई से निकेल और एफ से लोहा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, स्वेस ने ही तो सियाल सीमे और निफे को बांटा है, तो इसलिए सबसे पहले उन्होंने ही इसके बारे में बताया है। उसके बाद कह रहा है आठवां क्वेश्चन, पृथ्वी के तीन संकेंद्री परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? तो ऊपर होता है सियाल, दूसरे पर होता है सीमा और तीसरे होता है निफे, तीन हिस्से में यदि बांटे तो दूसरा हो जाएगा सीमा। पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, निकेल, क्योंकि वहाँ पर दो तत्व पाए जाते हैं, निकेल और लोहा। स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को तीन भागों में बांटा था, उसके विभाजन में नहीं है, तो सियाल सीमा निफे है, तो कौन नहीं है? सबस्टेंटम नहीं है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद कर रहे हैं, अस्थल मंडल का तात्पर्य क्या है? अस्थल मंडल क्या होता है? तो अस्थल मंडल का होता है पृथ्वी की बाह्य परपर्टी, जो ऊपरी हिस्सा होता है वह। अस्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंग के आधार पर कितनी मापी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 100 किलोमीटर मापी गई है। निम्नलिखित में से किस परत को बेरिस्फीयर कहा जाता है? तो पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को बेरिस्फीयर कहा जाता है, इसलिए इसका आंसर सी सही होगा। इसके बाद कह रहा है, धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि का दर क्या है? तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड 32 मीटर की गहराई पर जाने पर बढ़ जाता है। ध्यान दीजिएगा, वायुमंडल में यह 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने के साथ बढ़ जाता है, लेकिन गहराई में जो है 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हो जाती है 32 मीटर की गहराई पर जाने पर। लेकिन यह वृद्धि जरूरी नहीं कि सेम रहेगा, प्रथम 100 किलोमीटर की गहराई में प्रत्येक किलोमीटर पर 12 की वृद्धि होती है, जबकि उसके बाद वाले जो गहराई है 300 किलोमीटर की गहराई में 2 डिग्री के साथ वृद्धि होती है और उसके बाद 1 डिग्री के साथ वृद्धि होती है। तो यह टेम्परेचर का जो बात है वह सेम नहीं रहता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 32 मीटर पर। पृथ्वी के आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेटल तथा कोर में किया गया है।
और यह विभाजन किसने दिया है, तो यह विभाजन ग्रांट ने दिया है, ठीक है। जबकि इसके पहले जो था आपको बताया गया है कि सियाल सीमा नीफे का विभाजन किसने किया है, तो उसको स्वेश ने किया था और इसको ग्रांट ने किया है भूपटल, मेटल और कोर में, ठीक है। यह भी तीन हिस्सा में बटा हुआ है। उसके बाद कह रहे हैं कौन सा कथन असत्य है, भूपटल की औसत मोटाई 33 किलोमीटर है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है महाद्वीपीय भाग में भूपटल की मोटाई अधिक जबकि महासागरीय भाग में छिछला है। और उसके बाद कह रहा है तो ये दोनों कथन जो है सत्य कह रहा है, महाद्वीपीय भूपटल मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है, यह भी सही है। तीसरा कह रहा है महासागरीय भूपटल की तुलना महाद्वीपीय पटल का घनत्व तो सर्वाधिक है, तो यह गलत है, यह डी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल ही गलत है। तो कौन सा कथन असत्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक नहीं है, यह सही होता है। महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टान से हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। इसके बाद कर रहे हैं मेंटल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, तो अब ऑप्शन पढ़ लेंगे ये कौन सा कथन असत्य। कह रहा है कि इसकी गहराई 35 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक होती है, यह कथन सत्य है। ध्यान दीजिएगा जो यहाँ पर मेंटल की बात कर रहा है, तो मेंटल की जो कभी कभी जो है 30 से देता है कि 30 से लेकर 2900 के बीच में होता है, या कभी कभी 200 से भी शुरू करके और 2900 तक इसकी लास्ट सीमा बताता है। और जो उसके बाद क्रोड होता है, जो कोर होता है, वह 2900 से लेकर 6370 किलोमीटर जो मीटर है सॉरी किलोमीटर है वहाँ तक की जो है गहराई को हम लोग कोर कहते हैं, ठीक है। और उसके पहले जो है 200 के पहले जो है, या 30 से कभी कभी 30 हम लोग मान लेते हैं, तो 30 से लेकर 0 से 30 तक की जो गहराई है उसको हम लोग क्रोड कहते हैं, ठीक है। और दूसरा मेंटल, तो यह 35 से 29 कर है सही है। उसके बाद कह रहा है इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में है, यह गलत कह रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद तीसरा जो कथन है, इसका आयतन जो है 83.5% है और द्रव्यमान का 67.8% मेंटल है, जो कि सही है। और इसका घनत्व 3 से 5.5 तक होता है, ठीक है। सब में घनत्व का मान अलग अलग होता है, मेंटल में 5.5 होता है, फिर क्रूड में जो है 13.3 या 13.6 12.3, वो सब जितने गहराई में जाएंगे उतना ही उसका घनत्व अधिक होते जाता है। फिर जो है भूपटल की बात करें, जो सबसे ऊपरी परत है उसका घनत्व काफ़ी कम होता है, 2.90 होता है, अर्थात गहराई बढ़ने के साथ घनत्व भी बढ़ते जाता है, ठीक है। स्थल मंडल में सम्मिलित है, तब इसमें अब देखना है कि कौन सा कथन सही है। तो स्थल मंडल में भूपटल, निचली भूपटल और मेंटल की ऊपरी ठोस भाग, अर्थात यह सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर तक की गहराई तक माना गया है, तो 100 किलोमीटर तक की गहराई को माना गया है, राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्न में से किसको वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मेंटल को कहा जाता है वाइट ऑफ द अर्थ। मेंटल में किस तत्व की प्रधानता होती है, मेंटल में सिलिका और मैग्नीशिया, सीमा भी इसको कहते हैं सिलिका और मैग्नीशिया, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, 68%, ठीक है, 68% मेंटल होता है। उसके बाद कह रहा है मोह असंबद्धता, ठीक है, स्थिति क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रस्ट और मेंटल के बीच जो होता है मोह असंबद्धता होता है, ठीक है। अब देखिएगा कि यदि इसमें कहता है क्रस्ट, मेंटल और जो है क्रोड, ये तीन परत होते हैं, तो यदि क्रस्ट और मेंटल हो तो मोह हो जाएगा। अगर कहेगा कि दो ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल, तो उसके बीच जो असंबद्धता होता है उसे रिपिटी कहते हैं, जबकि यदि मेंटल और यदि क्रोड के बारे में कहे तो वो हो जाएगा गुटेनबर्ग असंबद्धता, और यदि बाहरी क्रोड और आंतरिक क्रोड के बीच में कहेगा ये कौन सा असंबद्धता है तो लहमान हो जाएगा। तो इस तरह से आप याद रखिएगा, ठीक है। सबसे यदि ऊपर से कहता है तो मोहो के पहले भी क्रस्ट में यदि दो हिस्सा कर देते हैं कोर्डनाइट हो जाता है, कोर्डनाइट के बाद मोहो असंबद्धता होता है, उसके बाद रेपिटी होता है, उसके बाद गुटेनबर्ग होता है, उसके बाद लहमान होता है, ठीक है। और सबको यदि दो दो हिस्से में बांट दे क्रस्ट, मेंटल और कोर को,
तो सबका जो हो जाएगा, यदि ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट की बात करें तो हो जाएगा ग्रेनाइट। फिर जो है यदि कहता है कि मेंटल और क्रस्ट के बीच में तो मोहू, और फिर जो है इस तरह से जो है कहेगा कि यदि क्रोड और मेंटल के बीच में तो गुटेनबर्ग हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन दे देता है। फिर कह रहे हैं पृथ्वी के कोर में कौन सी तत्व की प्रधानता होती है, तो पृथ्वी के कोर जो है वहाँ पर निफे होगा, तो लोहा और निकल होगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब कह रहा है कि कौन सा कथन असत्य है, प्रायद्वीपीय मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टान से निर्मित है। दूसरा कह रहा है कि महासागरीय बेसिन में बेसाल्ट चट्टान की प्रधानता होती है, ये दोनों कथन सत्य हैं। कोर को बेरी स्फीयर के नाम से भी जानते हैं, यह भी सही है। लेकिन कह रहा है कि पृथ्वी के समस्त आयतन का लगभग 68% द्रव्यमान के 83.5% मेंटल से व्याप्त है, जो बिल्कुल ही उल्टा लिखा है। आयतन जो है वहाँ द्रव्यमान होना चाहिए, और द्रव्यमान जो है वहाँ पर आयतन होना चाहिए, तो इसलिए यह असत्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण क्या हो सकता है, तो इसके तापमान के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन अब ऑप्शन दिख रहे हैं, दबाव, रेडियो सक्रिय पदार्थ का विखंडन, दोनों हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों को सही क्रम क्या है, तो परतदार, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, इस तरह से यह परत है, तो ये ऑप्शन में ही मिल जा रहा है। भूपट्टी पर पाए जाने वाले तत्वों को सही अवरोही क्रम में से जाना है, सबसे ज़्यादा कौन होगा, उससे कम, उससे कम, तो सबसे अधिक तत्व होता है ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, इस तरह से बढ़ते जाएगा। सबसे अधिक पाया जाता है ऑक्सीजन 46%, और उसके बाद सिलिकॉन 27%, उसके बाद एल्युमिनियम 8%। तो इस तरह से देखा जाए तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम और उसके बाद लोहा। ठीक है, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, तब लोहा। ठीक है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है भूपट्टी में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, एल्युमिनियम। ठीक है, भूपट्टी पर पाया जाता है। धरातल में मोह असवत्ता की गहराई लगभग कितनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 30 किलोमीटर है। ठीक है, जो ऊपर धरातल है उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज होता है, कहीं 30 लिखता है और कभी कभी 200 भी मान लेता है। ठीक है, पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवाह अर्थात मेंटल के नीचे क्रोड में कौन किस एक से बना है, क्रोड जो है किसका बना है, तो क्रोड जो है अब देखिएगा यह एफ ही का बना होता है, फिरम और लोहा का बना होता है, तो इसलिए इसमें ऑप्शन दिया है लोहा, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद कह रहा है वलन क्रिया का परिमाण क्या हो, ठीक है, वलन किस क्रिया के द्वारा होता है, तो पर्वत निर्माणकारी बल के कारण होता है। मिश्रित धातु और सिलिकेटों से बनी धरती की परत कहलाती है, क्या कहलाती है, तो इसका राइट आंसर है सीएल हो जाएगा। उसके बाद गुटेनबर्ग असवत्ता पृथ्वी के किन दो परतों के बीच में पाया जाता है, अभी बताए हैं गुटेनबर्ग असवत्ता जो है मेंटल और क्रोड के बीच में पाया जाता है। ठीक है, अब मेंटल में पूछ रहा है कौन सा मेंटल हो जाएगा, ठीक है, तो देखिए ऊपरी और निचली मेंटल हो जाएगा और ऊपरी क्रोड हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं दिया है, लेकिन इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, मेंटल और कोर के बीच में, क्योंकि ऊपरी और निचली की चर्चा नहीं किया है, तो हम कह सकते हैं कि जो लास्ट वाला मेंटल है और जहां शुरुआत होता है कोर, तो ऊपरी कोर हो जाएगा, यदि दो दो हिस्से हम बटे हैं, तो इसलिए राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। थैंक यू।